हेलो एवरीवन, आज हमारा संदकपू फालू ट्रेक जर्नी का फोर्थ डे है। लास्ट डे हम नेपाल का जोबाड़ी से काला पोखरी तक ट्रेक किया था, जिसका एक्सपीरियंस प्रीवियस पार्ट संदकपू फालू ट्रेक सीरीज डे 3 में दिया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम ट्रेक करेंगे काला पोखरी से संदकपू होके चंदू तक, टोटल 11 किलोमीटर, जिसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस एपिसोड में दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल एक्सप्लोर विद अस में आज हम है काली पोखरी में, और मेरा पीछे दिखाई दे रहा है काली पोखरी लेक। कल हम बीके भंजन जा नहीं पाए बारिश की वजह से, क्योंकि बहुत ही बारिश हो रहा था, इसलिए हम काली पोखरी में रुके। आज हम यहाँ से ही ट्रेक शुरू करेंगे। ये वाला है हमारा होम स्टे, और दूर वो दिखाई दे रहा है संदकपू टॉप, उसका अपोजिट में है काला पोखरी लेक। काला पोखरी लेक को बहुत ही हॉली माना जाता है। लोकल से पता चला इस लेक का पानी कभी सूखता नहीं है। स्क्रीन का बाएं तरफ कालापोखरी लेक दिख रहा है, और दाएं तरफ दो रास्ते के बीच जो मोटा पिलर दिख रहा है वो है इंडिया और नेपाल बॉर्डर। हम जो होमस्टे पे स्टे कर रहे हैं वो नेपाल के साइड है। लास्ट नाइट बहुत ही ठंडा था, और यहाँ पे जब जब हवा चलना शुरू होता है तब तब और भी ज्यादा ठंडा महसूस होता है, लेकिन अभी धूप की वजह से ठंडा ज्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन सुबह सुबह पानी में हाथ डालना वो थोड़ा मुश्किल काम है। अभी आपको दिखाते हैं हमारे होमस्टे के सामने से संदकपू का कितना खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। अभी हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। किसी का फोन में नेटवर्क नहीं है, लेकिन अभी तक हर जगह इलेक्ट्रिसिटी मिला बोल के फोन या फिर कैमरा चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, और हमारे गाइड भाई ने बताया संदकपू तक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, उसके बाद और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो जो भी डिवाइस चार्ज करना है चार्ज कर लो। तो हम जल्दी जल्दी हमारे हर डिवाइस चार्ज पे लगा दिया। हमारा ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है। ब्रेकफास्ट में है फ्राइड मैगी। अरे वही तो खाने स्पून। ब्रेकफास्ट के बाद हमने शुरू कर दिया आज का ट्रेक। आज हमें थोड़ा चराई चढ़ना है, क्योंकि काला पोखरी से संदकपू 7 किलोमीटर, जो रोड पूरा चराई है। संदकपू पहुंच के हम लंच करेंगे, फिर संदकपू क्रॉस करके 4 किलोमीटर जाने के बाद आएगा चंदू, जहां पे आज हम नाइट स्टे करने वाले हैं। ट्रेक करने से पहले पानी का बॉटल लेना मत भूलना, क्योंकि ट्रेक करते टाइम पानी पी के बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूर दिख रहा है काला पोखरी, वहां से थोड़ा आते ही ये वाला ब्लू काउंटर मिला। इस काउंटर से हमारे पूरा ट्रेक ग्रुप के लिए एक टूरिस्ट एंट्रेंस टिकट लेना पड़ा। टिकट कैसे है स्क्रीन पे देख सकते हो। इस टिकट के लिए ओनली 100 रुपीज पे करना पड़ा। दूर दिखाई दे रहा है काला पोखरी, हम वहां से चल के आए हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कितना खूबसूरत व्यू मिलता है। हम पहुंच गए हैं बीके वंजन। काली पोखरी से बीके वंजन का डिस्टेंस है अप्रोक्स 2 किलोमीटर। बीके वंजन नेपाल का एक छोटा सा गांव है, और यहां पे आपको रहने के लिए होमस्टे भी मिल जाएगा। ये यहां का तिब्बतन मस्जिद है। यहाँ का लोग इसको आलू कुकुर कहते हैं। बचपन में इन लोगों का पौध इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। इसका उम्र अभी कितना लग रहा है आप लोग को? ज्यादा से ज्यादा 4 महीने। हम लोग अभी जस्ट बीके वंजन क्रॉस करके आए हैं। यहाँ पे रेस्ट टाइम है अभी, और यहाँ से संदकपू का अच्छा व्यू दिख रहा है। आज हमारे ग्रुप को संदकपू तक गाइड करके लेके जाने का जिम्मेदारी मेरा है, क्योंकि थोड़ा काम के वजह से हमारे गाइड थोड़ा आगे निकल गया था। हम जाके संदकपू पे मीट करेंगे। संदकपू ये रहा।
जा खास के जा दो तो सी पानी बीके वंजन में जो 3280 मीटर का आप लोग जो हाइट देखे वहाँ पे ये छोटा छोटा दोस्त हम लोग को मिले। यहाँ का लोकल बंदे लोग बोल रहे कि ये लोग गाइड का काम करते हैं, हम लोग को लेके चले जाएंगे ऊपर तक। और ये वाला फ्लावर है यहाँ का फेमस रोडोडेंड्रन, और ये अभी ये सीजन है ये फ्लावर का। इस फ्लावर की वजह से ये ट्रैक और भी खूबसूरत लगता है। रास्ते में आते आते आपको बहुत सारा रोडोडेंड्रन का पेड़ दिखेगा और ब्लूम भी हुआ है। वेल संदकफू फॉलो ट्रेक का मेन अट्रैक्शन में से एक है स्लीपिंग बुद्धा का व्यू। संदकफू का अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर आगे हमारे इस ट्रेक में फर्स्ट टाइम हमें स्लीपिंग बुद्धा का व्यू देखने मिला कुछ पल के लिए, वो भी पूरा नहीं सिर्फ स्लीपिंग बुद्धा का सर मतलब माउंट कुंभकर्ण। स्लीपिंग बुद्धा देखने के लिए नसीब तो जरूरी है, और इसीलिए आगे जाके स्लीपिंग बुद्धा देखने मिलेगा कि नहीं वो हम पूरा नसीब के ऊपर छोड़ दिया। सडनली अभी इतना फॉग आ गया है कि सामने वाले को भी देखना मुश्किल हो रहा है। देखा ले लो, देखते हुए देना। अभी तक हमारे जर्नी में आज का ट्रैक थोड़ा टफ लगी, लेकिन मुश्किल नहीं थी, और स्लीपिंग बुद्धा का एक झलक देखने के बाद सारी थकान ही दूर हो गई थी। हाय गाइस, एट लास्ट 3.5 घंटा के बाद संदकफू आ गए। हम लोग का कल फालूट जाना है। ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हो ना, ये भी एक रूट है जो श्रीखोला होकर एनजीबी चला जाता है। हम लोग ये रूट नहीं लेंगे, संदकफू में आज स्टे करेंगे। संदकफू में हम लोग स्टे नहीं करेंगे, हम लोग संदकफू 4 किलोमीटर छोड़ के चंदू बोल के एक जगह पे रहेंगे। एकदम ऑफ बीट जगह है, हम लोग ही रहेंगे और कोई नहीं वहाँ पे, और देखते हैं कल फालूट के लिए कैसे चलता है। थैंक यू। हम आ गए हैं वेस्ट बंगाल का सबसे ऊंचा पॉइंट संदकफू पे। यहाँ से हमारा ग्रुप में और 2 मेंबर ज्वाइन होगा, वो 2 वॉरियर से टुबाईदा और गौरव दा उर्फ वोशो। संदकफू तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, संदकफू के बाद और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको रहने के लिए कुछ होमस्टे भी मिल जाएगा। संदकफू टॉप पे पहुँचते ही हमें मोबाइल नेटवर्क मिला, तो सब अपने अपने घर वालों से बात कर लिया, क्योंकि इसके बाद और नेटवर्क नहीं मिलेगा। अभी हम पहुंच गए संदकफू में, अभी यहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट लेंगे, इसके बाद जाएंगे चंदू में जो फालूट के रास्ते पे ही पड़ता है। आज हम चंदू में रहने वाले हैं, कल जाने वाले हैं फालूट के लिए। फिलहाल हम यहाँ का व्यू एंजॉय करेंगे, उसके बाद यहाँ से लंच करके निकलेंगे चंदू के लिए। तो चलिए आप लोगों को वेस्ट बंगाल का सबसे ऊंचा पीक से कुछ व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे आके पता चला कुछ देर पहले भी स्लीपिंग बुद्धा और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट विजिबल था, लेकिन अभी क्लाउड के वजह से दिख नहीं रहा है। संदकफू से स्लीपिंग बुद्धा का अच्छा व्यू तो मिलता ही है, उसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देती है।
अगर नसीब अच्छा और वेदर क्लियर रहा तो आपको हेवनली व्यू मिलेगा, लेकिन अभी तक हमारा नसीब में वैसा व्यू नहीं मिला, शायद आगे जाके हो। हमारा लंच रेडी है तो हम लोग आ गए हैं लंच करने। लंच में है चावल, दाल, सब्जी, अचार, जो पर प्लेट लिया है 200 रुपए, और ऑमलेट चाहिए तो एक्स्ट्रा 50 रुपए पे करना पड़ेगा। लंच के बाद 5-10 मिनट रेस्ट लिया, फिर वेस्ट बंगाल का सबसे ऊंचा पॉइंट संदकफू को अलविदा बोल के हम लोग निकल पड़े चंदू के लिए। संदकफू से अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर आते ही ये रास्ता मिलेगा, जिस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं। रास्ते के बोथ साइड पे देख सकते हो रोडोडेंड्रोन ट्री है। अभी तो सारी फ्लावर्स झड़ गए हैं, जब ये सारे रोडोडेंड्रोन ट्री फूल से हरा भरा रहती है तब इस रास्ते की नज़र कुछ अलग ही होती है। तब ये जगह फोटो वीडियो के लिए बेस्ट लोकेशन होती है, आप बहुत सारे रील्स में इस जगह को देखे होंगे। हम गुरुदुम खालिंग होमस्टे से ट्रेकिंग शुरू किया, आज हमारा 3 दिन हो गया। 3 दिन में हम ये संदकपुर भी क्रॉस कर चुका है। अभी संदकपुर में लंच करके हम 4 किलोमीटर और आगे चंदू जा रहा है, उधर नाइट हॉल्ट होगा। कल फिर हम जाएगा फालुट, देन सबरग्राम लास्ट नाइट से खोला होके भेज देगा मेरा ये 8 ग्रुप का ऐसे। थैंक यू। काली पोखरी से संदकफू तक ट्रेक रोड पूरा चराई था, इसलिए थोड़ा मेहनत हुआ है और सांस भी फूल रहा था, लेकिन संदकफू से चंदू तक ट्रेक रोड इजी बोल सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा डाउन और बाकी रास्ता फ्लैट कह सकते हो, इसलिए चलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है और सांस भी नहीं फूल रहा है। पहुंच गए हैं चंदू, और आज का दिन हम चंदू में स्टे करने वाले हैं। वो दूर दिखाई दे रहा है हमारा होम स्टे, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रेक फालुट के लिए। हम पहुंच गए हैं चंदू होम स्टे में। चंदू होम स्टे में फूडिंग लॉजिंग पर डे पर पर्सन 1200 रुपए है, और इस होम स्टे के अलावा यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। होमस्टे के अंदर जो लाइट लगी हुई है वो सोलर पावर से चलती है। इसके अलावा कोई भी डिवाइस चार्ज देने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी हमें चंदू होमस्टे में, और भैया ने एक कप करा ब्लैक टी बना दिया हमारे लिए, और भैया अभी बना रहे हमारे लिए खाना। हाँ जी, अभी भैया डिनर में क्या है आपको? डिनर में दाल और अंडा करी, सब्जी, तरकारी और पापड़, बस यही। चीनी डालो, होम स्टे पे आते ही पहले चाय सर्व किया था, उसके बाद गर्मा गर्म सूप के साथ पॉपकॉर्न सर्व किया है। बाहर बहुत जोर से हवा चल रही है, यहाँ पे वेदर काफी ठंडा है, और इस मौसम में गर्म सूप पीने का कुछ अलग ही मजा है। लेकिन
का डाला झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा लगा। तो अभी चलिए आप लोगों को थोड़ा ये जगह दिखाते हैं। चंदू होमस्टे पे रहना है तो आपको पहले से बुक करके आना होगा। आप बुक करेंगे तभी होमस्टे का ओनर यहाँ आके सब कुछ अरेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी से लेके खाना तक सब कुछ अरेंज करना बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, इसीलिए पहले से बुक करना पड़ता है। होमस्टे ओनर का फ़ोन नंबर वीडियो में दिया हुआ है, और नहीं तो जो गाइड आपको ट्रेक करवा रहा है उसको पहले से बोलने से भी वो चंदू होमस्टे का ओनर से बात कर लेगा। अगर वेदर क्लियर रहा तो चंदू से ऐसा हेवेनली व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ से स्लीपिंग बुद्धा का ऑसम व्यू मिलता है, लेकिन क्लाउडी वेदर होने की वजह से हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये अभी जो मैंने जिस जगह पे खड़ा हूँ वो संदकफू से फालूट के मिडिल में पड़ता है, एक्चुअली मिडिल में नहीं, संदकफू से 4 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम है चंदू, बढ़िया जगह है। यहाँ पे एक वैली टाइप का है और अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा ये बारिश होने का चांस है शायद, तो बढ़िया जगह है। चंदू होमस्टे कैसे है और होमस्टे के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है वो सब जानने के लिए कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर एक एपिसोड लेके आएंगे। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। कल हम ट्रेक करने वाले हैं चंदू से फालूट तक, तो हमारे साथ रहिए और इस जर्नी को देखते रहिए।